ओके सो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो घाघी से थोड़ा सा पहले रुके थे, वहाँ से हम निकल रहे हैं और अभी चलते हैं सीधे ऊपर और दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। वहाँ से थोड़ा सारा तो डार्क दिख रहा था तो यहाँ पे निकले हैं और बारिश पूरी तरह से थम गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलते एकदम सीधा सीधा भाई साहब को देखो, ये है ही नहीं तो ये देखो, ये बहुत ही रईस आदमी है गोप्रो के साथ। हाँ गर्लफ्रेंड तुम्हारे पास रईस हम हो गए क्यों? चलो 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 मेन पार्ट से अभी जहाँ पे लास्ट टाइम हम लोग बाइक का लाइनअप किए थे तो वहीं पे हैं। आ रहा तो लाइनअप किए हैं तो मुझे ये व्यू एक्चुअली बहुत पसंद आता है, यहाँ का व्यू। ये बहुत सारा सही बताऊँ तो यहाँ का व्यू सबसे अल्टीमेट लगता है, क्योंकि यहाँ पूरे नीचे वैली है और पूरा ऐसे खाई टाइप का है तो पूरे पेड़ है। तो चलते हैं आगे और अभी जा रहे हैं हम लोग उल्टा पानी, जहाँ पे पानी उल्टा बहता है मतलब उल्टा चढ़ता है, तो वहीं जा रहे हैं, वहीं बात करते हैं आपसे। ठीक है ओके सो यहाँ पे जो जगह है उल्टा पानी, यहाँ पे क्या होता है कि गाड़ी अपने से आगे बढ़ता है तो गाड़ी थोड़ा सा आगे ऑन करके हम लोग छोड़ देंगे और देखते हैं गाड़ी आगे बढ़ता नहीं बढ़ता है। तो प्रदीप भैया न्यूट्रल में लगा दे रहे हैं गाड़ी को और लग गई न्यूट्रल, न्यूट्रल लग गई तो बढ़ेगा गाड़ी, चले वही बंद कर दिया। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये जगह असल में है पैर ऊपर कोई इसमें कोई चीटिंग नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं गाड़ी अपने से बढ़ रहा है और ऐसा भी नहीं है ये ढलान है, चढ़ान है और गाड़ी अच्छा स्पीड पकड़ लिया है, गाड़ी अभी 9 का 10 का स्पीड पकड़ लिया है और भाई साहब 11 तो ये होता है चमत्कार। क्या मंगज भैया? तो बहुत दूर ले आया, करीबन ऊपर तक जाएगा। हाँ ऊपर तक जाएगा भैया, तो भैया नैक्सीटर दे रहे हैं, गाड़ी बंद होगा आपको सुनाई दे रहा होगा। ये लास्ट यहाँ तक, यहाँ तक आ गया, काफ़ी दूर आ गया, मतलब यहाँ से वहाँ तक करीबन आगे भी जाएगा थोड़ा सा। हाँ तो आप देखेंगे कि गाड़ी कितना दूर आ गया पूरा, मैं वो कर दिया। हाँ अभी भी भैया ज़्यादा एक्सीलेटर नहीं दे रहे हैं, हल्का सा गाड़ी बढ़ ही रहा है अभी भी, फिर भी देखिए एक्सीलेटर बंद कर दिया। हाँ अभी फिर बंद कर दिया, गाड़ी स्टार्ट है। हाँ गाड़ी स्टार्ट है और बाकी भैया एक्सीलेटर दे नहीं रहे हैं और गाड़ी अभी अभी भी अपने आप बढ़ रहा है और ऊपर चढ़ रहा है। जनरली ऐसा कहीं होता नहीं है और वो देखने कहीं मिलेगा भी नहीं ऐसा कोई जगह, और वहाँ पे अभी उल्टा पानी है जहाँ पे आप पानी उल्टा चढ़ रहा है तो दिखाता हूँ आपको। हाँ सभी एक्सीलेटर, हाँ
रेन का तो चढ़ जा रहा है। ओके सो ये जगह है इसको उल्टा पानी बोलते हैं, और यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे पानी जो है वो पहाड़ की तरफ चढ़ता है, तो वहाँ से अगर आप देख रहे होंगे तो ये चढ़ान है असल में, और इस चढ़ान में हम अगर पेपर रखते हैं तो पेपर ऊपर जाता है। ठीक है, तो पहले आपको वहाँ वाला वीडियो दिखा दिया जहाँ पे बाइक अपने से आगे बढ़ रहा था, और अभी दिखाता हूँ कि पेपर आगे बढ़ता है नहीं बढ़ता है। बढ़ गया तो अच्छी बात, नहीं बढ़ेगा तो क्या तो कर सकते हैं भाई। छोटा डालूँ, छोटा सा तो गीला है यार पेपर, वो पेपर नहीं बहेगा, भीगा हुआ है थोड़ा, कोई ऐसे कागज डालो ना, प्लास्टिक डालो, पीनट इसको, ये तो ये भारी है, पत्ती डालिए ना, ये ठीक है, ये जा रहा है ऊपर ऊपर ऊपर, इधर फ्लो में रहता है ना तो अच्छा जाता है, ये इधर वहाँ पे वहाँ पे रहेगा, तो देखेंगे पानी इधर के लिए बहना चाहिए जैसे कि नीचे ढलान है, लेकिन यहाँ से पानी ऊपर बह रहा है। अगर आप लोगों को फ्लो दिखाता हूँ, आप लोगों को फ्लो दिखाता हूँ तो ये पानी असल में ऊपर जा रहा है, पहले ऊपर का सीन निकाल दिया, इधर से फ्लो अच्छा है ना, बहाव तेज है, बढ़िया दिखेगा। तो यहाँ से जैसे देख रहे होंगे ये ढलान है, आप यहाँ से देख लीजिए, और ये ऊँचा पानी जब बहना इधर चाहिए लेकिन पानी बह के ऊपर चढ़ रहा है, वो दिखाता हूँ कैसे, तो घर हमको दिखाएगा डेमोन्स्ट्रेट करके, तो ये देख रहे हैं कितने स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अरे अभी देख लीजिए ये नीचे है लेकिन ये जा रहा है ऊपर, अरे ए ए रास्ता भूल गया तू, जाएगा जाएगा छोड़िए, जा रहे भाई इधर से नहीं जाएगा पंकज, वहाँ से ऊपर पानी का खेल नहीं है, जमीन का खेल तो है, जमीन का खेल, ये तो रुक गया, फंस गया ना इसमें इसलिए रुक गया, देखिए बह के जा रहा है, अभी भी बह के जा रहा है। तो असल में पता नहीं है लोगों को कि ये ऐसा होता क्यों है और ये जगह है क्यों, क्योंकि ये सब जगह नहीं होता है, ये एक जगह है, और वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे मैं आप लोगों को बाइक दिखाया था, तो बाइक वाली जगह पे क्या होता है कि अगर बाइक आप न्यूट्रल कर दोगे तो बाइक अपने से, अगर कार होती ना तो सही बताऊँ वो कार में एकदम अच्छे से दिखा पाता, लेकिन अभी बाइक में है तो बाइक में आप देखेंगे बिना एक्सीलेटर दिए गाड़ी आगे अपने आप बढ़ जा रहा है, और तो ये कोई मतलब कोई जादू से कम की बात नहीं है। और जैसे ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से अगर आप ऊपर चढ़ेंगे तो ये आपके लिए चढ़ान हुआ, और वहाँ से नीचे उतरेंगे तो ये आपके ढलान हुआ, तो आप चढ़ेंगे ना तो आपको चढ़ने में ना बिल्कुल मतलब बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगा, मैं सही बता रहा हूँ, अगर मैं उल्टा भी ऐसे चढ़ रहा हूँ तो मेरे को ना चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा, लेकिन उसी जगह अगर मैं उतर रहा हूँ तो उतरने में ना मेरे को ज़्यादा भार लग रहा है, जैसे जब चढ़ते समय भार लगता है पैर में तो भार लग रहा है, तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ का। तो यहाँ भी हैं 5-7 मिनट के लिए, और आप लोग अगर देखे होंगे कभी ऐसा कोई जगह तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, नहीं देखे होंगे तो फिर बताइए कि ये जगह आप लोग विजिट करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। मैं लोकेशन तो पूरा अच्छे से डाल दूंगा, गूगल मैप का लोकेशन भी डाल दूंगा कि आपको कहाँ से आना है, कहाँ से कटना है, मेन पार्ट आपको पूरा नहीं जाना है, मेन पार्ट से पहले आपको कटना पड़ेगा राइट की तरफ, राइट में आपका बोर्ड भी दिया हुआ है कि इधर उल्टा पानी है करके, ठीक है। तो थोड़ा सा भी भाई लोगों के साथ है, बात करते हैं फिर, अभी नेक्स्ट लोकेशन है वो हम लोग जल्दी जाएंगे, तो जल्दी भी एक अनोखा प्लेस है जहाँ पे जो ज़मीन है, अगर आप ज़मीन पे आप जंप करते हो तो ज़मीन हिलता है, एक्चुअली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एकदम सच बात है, मैं आपको वो लोकेशन लेके जा रहा हूँ, आपको मैं जंप करके दिखाऊंगा तब आपको साथ बिलीव हो कि ये असल में ऐसा जगह होता भी है। तो मिलते हैं अब सीधा रास्ते में चलते जलजली की तरफ, ठीक है तो चलते हैं। अबे कैमरा हो